गाइस, तो आपको बता दूँ, हम चाय वाले के ऊपर बात करने वाले, जैसे कि प्रिया गुप्ता। प्रिया गुप्ता का नाम सुना होगा, जो पटना से है। आजकल वो चाय का काम कर रहे हैं, जो कहती है पर डे में 10,000, और कहती है महीने का मैं 1 लाख कर सकती हूँ। तो यार, इसकी सल्यूट है। मतलब ये लड़की होकर एक चाय बेच रही है, और हम साले मेहनत कर रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, कुछ नहीं आ रहा। प्राइवेट सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा है, बस मेहनत करो। और ये सिगरेट कह रही है मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगी, तो इसके तो एक सल्यूट बनता है यार। इसके लिए मोदी से कहा, वो भी चाय बेच के तो प्रधानमंत्री बन सकता है। नीले आंख वाला चाय बेचता है, और एक थोड़ा चुतिया सा एमसी स्टैंड की तरह, जिसने बाल ऐसे ऐसे कबूतरों की तरह के, स्टाइलिश चाय वाला नागपुर का है, वो भी मध्य प्रदेश का, काफ़ी अच्छा चाय वाला है। तो यार, चाय वाले बहुत नाम कर रहे। तो यार, इस लड़की को सोच को, और देखो पुलिस वालों ने इसकी चाय की दुकान हटा दी। यार, मेन चीज़ यार, कोई मेहनत करना तो नहीं करनी, बस वो जेब कतरे रिश्वतखोरों का ये लोग साथ दे दो। देखो यार, वीडियो मज़ा आएगा यार। और अगर आप चाय वाले हो तो यार, आप बताना कि आपकी इनकम कितनी है, और कितना आप लोगों को सपोर्ट करते हो। यार चलो देखते हैं। तो कितना कमा लोगे सर, सरकारी नौकरी और प्राइवेट में? कल मैंने 10,000 से ऊपर की सैलरी की एक दिन में, और आज भी उतना ही जाएगा सर। अच्छा, तो फुटपाथ पर ऐसे खड़े होके 6 से 12 चाय बेच रही हैं। धूप अभी आ जाएगी, कभी सूरज इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। तो बिजनेस कर, किसी भी चीज में बिना मेहनत के आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मतलब अपने ऊपर घमंड है? मतलब घमंड नहीं, मतलब एक विश्वास नहीं, देखो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं है, घमंड वही, वो गलत हुआ मेरे से। प्रियंका, आज कितना आपने कमाया? 400 कप 500 कप चाय बिका है। तो अब बंद करेंगे तो लगता है 600 कप हो जाएंगे। हाँ, हो जाएगा। 10,000 रुपए आपने कमा लिया, 3 लाख रुपए महीने की बिक्री। प्रियंका गुप्ता बधाई हो। सर, उसमें से खर्च भी तो है। ये एक कप का चाय कितने का है? 20 का, 20 रुपए का। और एक दिन की कमाई कितने की होती है? आज तो शायद 4-5 हज़ार तक नहीं होगा। आज 5,000 में की, एक दिन में अगर 4,000 भी मिनिमम कमाई हो रही है, तो एक महीने में 1,20,000 रुपए। आपने इसमें लगाया कितना था? 30,000। हाँ, एक चीज और है कि मैम, हर चाय स्टॉल के पास सिगरेट का एक पैकेट पाया जाता है। आपका क्या कहना है इस पे? क्या चाय वाली जो है वो सिगरेट ही बेचेगी? मेरे लिए बिजनेस है, तो बिजनेस एथिक्स मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एथिक्स में ये सिगरेट कभी नहीं आएगा, मेरे सिगरेट नहीं आएगा। मैंने खुद देखा है जाके बहुत सारे ठेले पे, मुझसे ज्यादा कमाते हैं बहुत लोग। अर्निंग के बारे में तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आप कितना अर्निंग कर ले रही हैं? मेरा 600 कप चाय बिक जाता है। पैसा पेड हो गया मैम। एक लड़की ने प्रिया गुप्ता से इंटरव्यू में पूछा कि अगर आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, आपसे अगर शादियों का रिश्ता आया तो आपसे कोई शादी नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे? कहती कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बिजनेस होना चाहिए। बस उसने सही कहा, आपके पास काम है तो आपसे शादी करने के लिए भीड़ लगी होगी। जैसे कि वो टैटू वाली लड़की, उससे कोई नहीं पूछा, आज देखो उसकी कितनी वैल्यू है।